मैं भाभी, मैं भाभी, ये देखो। क्या 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 क्या? बिल। तो वीरा मुझे क्यों दिखा रहे हो? जा कबाट में रख दो जा। लेकिन इसे देखने के बाद जैसे मुझे झटका लगा, आपको भी झटका लगेगा। वीरा भोला वीरा, वीरा झटका बिजली से लगता है, बिजली के बिल से नहीं। हो अच्छा देखो पहले। ओ बापा अमनू तो। लगा ना झटका? हाँ तो लोगे कहीं ना वीरा। अरे एक महीने का 18,600 का बिल? हमारे गांव के घर में तो 3-4 महीने का 300-400 बिल आता था बॉस। हाँ बैठो बैठो, ये तो तुझ भी नहीं है। मेले गांव में तो मेले घर पे 3 महीने का बिल 100 रुपया आता है। ये? हाँ, क्योंकि 24 घंटे में से 8-10 घंटे ही लाइट होती है। ना 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 वीरा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते, 8-10 घंटे से ज्यादा बिजली आ ही नहीं सकती। वीरा मैं आपके गांव की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे घर की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं वीरा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे बिजली का बिल कम आए। नहीं कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो सब लोग को आदत है ना, एसी, टीवी, फ्रिज, गजल। गजल? नहीं, जिसमें गलम पानी आता है ना वीरा, गिल जल, गिल जल। अरे हाँ वही गलम जल, उन सब की आदत पल चुकी है। 2 टाइम खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन इसके बिना तीसी तो नहीं चलेगा। वही तो वीरा। लेकिन वीरा अब तो पूरे मेहता परिवार की आदत बदल ही पड़ेगी। क्या कर रहे हो? मैं खाना खा रहा हूँ। अरे वही तुमको दिख नहीं रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। और प्लीज आज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐड के लिए जिंगल बनाना है। अच्छा आ तो सागर जी, आप ऐसे बंद कमरे में क्यों बैठे हो? ये एसी और लाइट चलाकर आप मस्त खुले आसमान के नीचे बैठे, अगासी में जाइए या तो फिर बगीचे में जाइए, मस्त फटाफट आइडिया मिल जाएगा। ये खाली पीली की बातें करके मुझे डिस्टर्ब मत करो, ओके? खाली पीली की बात नहीं कर रही हूँ सागर जी, काम की बात कर रही हूँ। और ये एसी, अरे वही ये एसी क्यों बंद कर दिया? क्योंकि गर्मी कम हो गई है सागर जी, और अभी तो दिन है इसलिए ये लाइट की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या? इसे भी बंद हो जाना चाहिए। अरे वही कम से कम लाइट तो ऑन कर दो। नहीं मतलब नहीं। अच्छा तो ठीक है मैं ही ऑन कर लेता हूं। नहीं आपको मेरी कसम। देखो तो मैंने दुपट्टा डिजाइन किया है, नाइस ना? या वेरी नाइस। लेकिन ऐसा ही दुपट्टा मेरे लॉ गार्डन पे वो फेरी वाले बेचते ना, उनके पास देखा, कमाल है ना। कल ही मैंने दुपट्टा डिजाइन किया और आज कॉपी भी हो गया। सुमा सुमा, आपने तो पूरे घर को कश्मीर बना के रखा है, कितनी ठंड लग रही है पापा। सबसे पहले तो एसी बंद करो पहले। अरे क्या कर रही हो मही? सासुमा क्या क्या क्या? वहाँ सागर जी बेचारे बिना पंखा बिना एसी के बैठे और आप यहाँ एसी में बैठी हो, खट्टी बात। मही, सागर वहाँ पे बिना एसी बिना पंखे के क्यों काम कर रहा है? मुझे क्या पता बिंदु मासी, उनसे पूछ लो। ठीक है पूछ लेंगे, ओके? अभी एसी तो चालू करो, कितनी गर्मी लग रही है। ना ना सासुमा, एसी तो चालू नहीं होगा। आप बोले तो मैं आपके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी लेके आऊं। मही तुम तो गवार के गवारी हो, नींबू पानी से भला हमारा पसीना थोड़ी ना रुकेगा। बिंदु मासी, नींबू पानी से ठंडा ठंडा तो लगेगा ना। बस चापली अभी चपड़ चपड़ बंद कर और एसी चालू कर। ना ना छोटी बात सासुमा, एसी चालू नहीं होगा। एसी चालू कर। ना 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 आपको मेरी कसम। आपको। अरे अरे रुक रुक चापली, तो एसी भी चालू करने नहीं दिया और ऊपर से कसम देके गई। अरे सुने ने तो हाथ भी नहीं लगाया, फिर प्लग कैसे निकल गया? महीने तो लगाया ना भाभी। पर मही अगर ये प्लग में नहीं लगाऊंगी तो ड्रायर ऑन नहीं होगा, और ड्रायर ऑन नहीं होगा तो सुने के बाल कैसे सूखेंगे? खोटी बात भाभी, देखे आज से आपका ये बाल सुखाने वाला पंखा बंद रहेगा। भगवान ने हमें ये टॉवल बाल सुखाने के लिए दिया है ना, तो आज से आप बाल इसी से पोछोगी। हाँ नहीं नहीं मही, दैट इज वेरी ओल्ड फैशन। नहीं नहीं ये ड्रायर तो मुझे लगाना पड़ेगा। भाभी ये भाभी, अगर आप इसे
जाएंगे। पर मही अब तक तो नहीं बिगड़े। देखिए भाभी, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ ना। और भाभी, सागर जी बेचारे बिना एसी के बैठे हैं, बिंदु मासी सासु माँ वो लोग भी बिना एसी के बैठी है, तो आपके रूम का एसी कैसे चालू रह सकता है, खोटी बात। एसी तो बंद। अरे पर मही, नहीं नहीं नहीं, बंद कैसे, गर्मी होगी कितनी। नहीं नहीं भाभी, अगर आपने एसी चालू किया तो आपको मेरी कसम। बाबे बोले बोले मही, बाबे आपने तो कसम दे दी, लेकिन उन लोगों ने कसम ली क्या? हाँ ली ना, मैंने कसम दी तो सबने ले ही ली होगी ना। ले ली होगी, मतलब आपको पता नहीं है। मही भाभी आप ही मुझे समझाया करती है ना, कि अगर हमें कोई अपशब्द मतलब वो डाली दे तो वो भले दे दे, हमें लेनी नहीं चाहिए। उसी तरह ये एसी टीवी फ्रिज और गिल जलता मामला है, आपने भले कसम दे दी लेकिन उन लोग ने ली नहीं होती। हाय वीरो, आपने तो सौ टचना सोना जैसी बात करी। अब तो देखना ही पड़ेगा कि कितने लोगों ने सही मायने में मेरी कसम ली है। और इस रूम में भी कितनी गर्मी लग रही है, एसी क्यों चालू नहीं, एसी का रिमोट कहाँ है कन्हैयालाल? लो रिमोट यहाँ है, एसी क्यों चालू नहीं किया सागर? अरे क्या बताऊं मॉम आपको, मही ने मुझे अपनी कसम दे दी है कि एसी लाइट पंखा कुछ भी ऑन नहीं करना है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मही, तुमने मुझे ऐसी कसम क्यों दी है? मही तुम्हें क्या हो गया है, पूरे परिवार को कसम देते घूम रही हो क्यों? मही तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब नहीं हुआ है सासुमा, अरे दिमाग ठिकाने आ गया है बिजली का बिल देखने के बाद। 18,600 का बिल तो कम है क्या? कम नहीं, ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा। तो पची मही, ये तुम्हारा गांव नहीं है, अहमदाबाद है अहमदाबाद। हाँ तो एक गांव में भी इंसान ही बसते हैं। हाँ, 100 बात की एक बात, 18,600 बहुत अधो-अधो है। अधो-अधो क्या मही, अधो-अधो तो मतलब ज्यादा है भाभी। अच्छा ज्यादा है, देखो मही वो सब तो ठीक है लेकिन 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 कुछ नहीं सासुमा। अरे कितने एसी चलता है, लाइट चलता है, पंखा, टीवी, ना 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 पापा, अब से ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि अगले महीने से 2,000 तक ही बिल आना चाहिए, वरना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। ऐसे थोड़ी होता है मही, लाइट बंद, पंखा बंद, एसी बंद, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई हॉल में बैठा नहीं है तो लाइट पंखा एसी कुछ चालू नहीं रहना चाहिए, लेकिन उससे 1,000 रुपए से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए आज से ही हमें हमारी आदतें बदलनी होगी। मही अपनी छोटी सोच को छोड़ो और देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। 200 रुपए से 18,000 रुपए तक। नहीं नहीं, मैंने आप सबको जो कसम दी है वो अभी भी कायम है, इस घर में ना तो एसी चालू होगा और ना ही चालू होगा। चालू होगा, सब चालू होगा, तुम्हें सागर की कसम है, अगर तुमने कसम वापस नहीं ली तो। हाय, लेकिन सासुमा आप तो ये कसम वसम में मानती नहीं हो ना? मैं नहीं मानती लेकिन तुम तो मानती हो, चलो कसम वापस लो, चलो चलो चलो। वाह मॉम वाह, ये सही आइडिया निकाला आपने। ठीक है ठीक है, मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ बस। लेकिन हाँ, हमें बिजली तो बचानी ही होगी, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा करना ही होगा। इस घर में एसी चालू नहीं होगा। हाँ? एसी तो चालू होगा। नहीं होगा। अरे, अरे?